हेलो, आज सबका मेरे चैनल इस रीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एक प्रॉब्लम जो यूपी एपीए 2006 में पूछा गया था को पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए, और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वाच कर लीजिए। का एक बिजली की केतली ब को मरम्मत के लिए दिया। ब ने मरम्मत के लिए निश्चित समय में काम नहीं किया और उसके पश्चात उपयुक्त समय में भी मरम्मत नहीं किया। केतली के मालिक का अंशतः मरम्मत के लिए मांगी गई धनराशि का भुगतान किए बिना व की दुकान से जबरदस्ती केतली उठा ले गया। यहाँ कौने कौन सा अपराध किया है? अगर आपको उत्तर पता है इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए। आइए देखिए निर्णय। प्रस्तुत मामले में क ने कोई अपराध नहीं किया है। प्रश्नगत समस्या 378 पर आधारित है। 378 पर आधारित यह समस्या है। आईपीसी की जो है प्रस्तुत समस्या जुदा 1925 के वाद के तथ्य पर आधारित है। सुसंगत प्रावधान 378 के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सहमत के बिना कोई जंगम संपत्ति बेमानी से ले लेने की आशय रखते हुए उस संपत्ति को ले लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है। क्या कहता है? जो कोई किसी व्यक्ति के पजेशन में से उस व्यक्ति की जो है सहमत के बिना कंसर्ट के बिना कोई जो है जंगम संपत्ति को बेमानी से ले लेने की आशय से। बेमानी कहाँ परिभाषित है? तो आईपीसी की धारा 25 में परिभाषित है। तो कह रहा है कि बेमानी से ले लेने के आशय से उस संपत्ति को ले लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है। तो आइए देखें कि चोरी के आवश्यक तत्व क्या कहता है। 5 आवश्यक तत्व हैं। पहला क्या कहता है कि संपत्ति ले लेने के बेमानी पूर्ण आशय होना चाहिए। दूसरी, संपत्ति जो है चल संपत्ति होनी चाहिए। तीसरा, एक वस्तु दूसरे के कब्जे में से ली गई हो। मतलब क्या कि पजेशन किसी जिस व्यक्ति का है उसके कब्जे में से ली गई हो। चोरी के लिए आवश्यक नहीं है तो स्वामित्व में से ही ली गया हो। यहाँ पे जिसका भी पजेशन होगा, अगर पजेशन में से कोई सामान ली गई हो तो चोरी माना जाता है। और चौथा कहता है कि मालिक की सहमत के बिना संपत्ति ली गई हो। जो जिस व्यक्ति का कब्जा है उसकी सहमत के बिना लिया गया हो। और पांचवा कहता है कि संपत्ति को हटाया जाना, संपत्ति को हटाया गया हो। पहला, बेमानीपूर्ण आशय। बेमानीपूर्ण आशय को आईपीसी धारा 24 है उसमें परिभाषित किया गया है कि किसी व्यक्ति को सदोष हानि और किसी व्यक्ति को सदोष लाभ करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे बेमानीपूर्ण आशय कहते हैं। फिर संपत्ति जो है जंगम संपत्ति होनी चाहिए। उसको इमोवेबल प्रॉपर्टी के बारे में कह रहा है कि जो आईपीसी धारा 22 है उसमें परिभाषित किया गया है। फिर क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति के पजेशन में से ली गई हो। जिस व्यक्ति के पजेशन में से ली गई हो उसके सहमत के बिना लिया गया हो और संपत्ति को हटाया गया हो। आइए देखिए सुसंगत वाद। जुदा बनाम सम्राट का मामला था 1925 का 23 कलकत्ता 174 के मामले में। दुकानदार केतली को निर्धारित अवधि में ठीक नहीं कर पाया था। जो दुकानदार था वो केतली को निर्धारित अवधि में ठीक नहीं कर पाया था, अतः केतली के जो मालिक है बिना भुगतान किए केतली लेकर चला जाता है। जो केतली का मालिक है बिना भुगतान किए अपना केतली लेकर वहां से चला जाता है। दुकानदार का पक्ष था कि जितना काम किया गया है उतना पैसा दे दिया जाए, और केतली का मालिक का इस प्रकार केतली ले जाना चोरी है। दुकानदार क्या अपना पक्ष रखता है कि जितना काम हुआ हो उतना पैसा दे दिया जाए, और अगर वो जो है केतली लेके जाता है तो वो चोरी किया है। न्यायालय द्वारा निर्णित किया गया कि केतली का मालिक चोरी के लिए दायित्वाधीन नहीं है, क्योंकि उसका आशय न तो सदोष हानि का था और न ही के स्वयं को सदोष लाभ प्राप्त करने का था। मतलब कह रहा है कि न्यायालय द्वारा निर्णित किया गया जो केतली का मालिक है वो चोरी के लिए दायित्वाधीन नहीं होगा, क्योंकि उसका आशय न तो किसी व्यक्ति को सदोष हानि करना था और न ही स्वयं को सदोष लाभ करना था, अर्थात बेमानीपूर्ण आशय नहीं था। मालिक का आशय केवल अपनी केतली को युक्त समय बीत जाने के पश्चात प्राप्त करना था।
कह रहा कि उसका आशय क्या था कि युक्त समय के बीच जाने के पश्चात अपनी केतली प्राप्त कर ले। निष्कर्ष, अतः उपरोक्तवाद विधि के निर्णय के अनुरूप का ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। कह रहा कि अतः उपरोक्तवाद में जो है विधि के निर्णय के अनुरूप का ने कोई भी अपराध नहीं किया है। भले ही वह अपनी केतली वहां से दुकान से लेके चला गया है, लेकिन उसने कोई अपराध नहीं किया है। कौन सा केस है? जूदा बनाम सम्राट का। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया। ऐसे ही अच्छी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।